Assalamu alaikum. Today we shall discuss another very important topic, that is exotic species. So let us take its review with the help of MCQs. Question 1. Dash is the adjective to describe a species living outside of its native range. इसमें given options दिए गए हैं, उसमें जो right option आती है वो exotic. Exotic species ऐसी species होती हैं which are living outside of geographical range. Geographical range ऐसी range होती है जो कि एक species occupy कर रही होती है without human interference. इससे हमारा ये समझ लें कि लाइक एक स्पीशीज जो है वो जंगल में रहती है लाइक लाइंस, अगर वो जू में रहना शुरू कर दें बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस तो वो आउटसाइड रह रहे हैं अपने जियोग्राफिकल रेंज. वैसे स्पीशीज को हम कह रहे होते हैं एग्जॉटिक स्पीशीज और एलियन स्पीशीज. एलियन कहते हैं गैर मुकामी. इनको एडवेंट प्लांट भी कहा जा रहा होता है, एडवेंटिव प्लांट्स. इनके और भी बहुत से नाम है, लाइक इनको नॉन इंडिजिनस भी कहते हैं, इंडिजिनस मुकामी कहा जा रहा होता है. इनको नॉन नेटिव स्पीशीज भी कहा जा रहा होता है, नॉन एंडेमिक भी कहा जा रहा होता है, और इनको इंट्रोड्यूस स्पीशीज भी कहा जा रहा होता है क्योंकि खास इलाके में इंट्रोड्यूस की गई है फ्रॉम अदर एरिया. और जो कुछ नॉन बायोलॉजिस्ट हैं वो ये भी कह रहे होते हैं ऐसी स्पीशीज जो कि एक मुल्क से मुल्क एक से ट्रांसफ़र की गई हैं टू कंट्री बी, क्योंकि वो एक इलाके से ट्रांसफ़र की जा रही है दूसरे इलाके के अंदर, डैट्स पे वो यहाँ पर हो जाएंगे एग्जॉटिक स्पीशीज और एलियन स्पीशीज. लाइक पांडा जो है ना वो चाइना में पाया जाता है, अगर वो पाकिस्तान में ले आया जाएगा तो पाकिस्तान के लिए वो एग्जॉटिक होगा. इसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी चार्ली. क्वेश्चन 2. डैश टर्म यूजली रेफर्स टू एग्जॉटिक स्पीशीज डेट हैव सक्सेसिवली इन्वेडेड एन इकोसिस्टम कॉजिंग सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल इकोनॉमिक और ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स. इसमें राइट ऑप्शन आएगा अल्फा, इन्वेसिव स्पीशीज. याद रखें कि सारी एग्जॉटिक जो स्पीशीज होती हैं वो इन्वेसिव स्पीशीज नहीं होती, बल्कि मोस्टली एग्जॉटिक इन्वेसिव होती ही नहीं है. सो राइट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर अल्फा. दिस स्पीशीज काज बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लॉसेस ईच ईयर. इसमें जो राइट ऑप्शन आ रहा होगा वो आ रहा होगा ऑल, डेल्टा. अब ये भी आ रखें कि ये जो हमें नजर आती हैं स्पीशीज लाइक नॉर्वे रेड, हाउस माउस एंड ब्लैक रेड, इसको हम शिप रेड भी कहा जा रहा होता है, दे कॉज स्पीशीज एक्सटेंशन स्पेशली इन आईलैंड्स. आईलैंड्स में इन्होंने अटैक किया और वहाँ पर बहुत स्पीशीज को एक्सटेंशन का बायस बन गई ये तीन स्पीशीज जो है. फोर्थ, मैनी ऑफ द स्पीशीज डेट हैव बीन ट्रांसपोर्टेड अराउंड द ग्लोब पर. इसमें जो गिवन ऑप्शन दी गई हैं उसमें राइट ऑप्शन है अल्फा, स्टोवेज. अब ये टर्म समझना बहुत जरूरी है. स्टोवे कल से मतलब होता है किसी भी चीज का जहाज में छुप कर सफर करना या मुफ्त सफर करना. और इसको हम अगर बायोलॉजिकल टर्म में लेंगे तो ऐसी स्पीशीज, फॉर एग्जांपल एक इंसान की बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि पैथोजेंस भी हो सकते हैं, और वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री. आप जिस कंट्री में ट्रैवल कर रहा है वहाँ वो पैथोजेंस नहीं थे, पर ये जानवर जब ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री तो अपनी बॉडी में मुख्तलिफ पैथोजेंस लेके आ रहा है, क्योंकि पैथोजेंस छुप के ट्रैवल कर रहे हैं इसकी बॉडी में. डेट्स पर दो पैथोजेंस कॉल्ड स्टोवेज. इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है लाइक रैबिस वायरस, वो भी इस तरह फैला था, एंड लाइक चेस्टनट ब्लाइट, उसकी मेन रीजन भी ऐसी थी स्टोवावे. सो ये गिवन ऑप्शन दी गई है, उसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी दैट इज अल्फा, स्टोवावेस. क्वेश्चन 5. यूरोपियन अर्थवर्म्स प्रोबेबली अराइव्ड इन नॉर्थ अमेरिका इन सॉइल क्लिंगिंग टू द रूट्स ऑफ डैश ट्रीज एंड अदर प्लांट्स. इसमें गिवन ऑप्शन दी गई है, उसमें राइट ऑप्शन बनती है बीटा, दैट इज एप्पल. इसमें अर्थफॉर्म ने किया क्या है कि अर्थफॉर्म ने जो एप्पल की जो रूट्स थी ना उसके साथ खुद को अटैच किया है, और अटैच करके इट मूव फ्रॉम यूरोप टू द नॉर्थ अमेरिका. इसमें भी आप बात याद रखेंगे जितने भी अर्थफॉर्म पाए जाते हैं इन नॉर्थ अमेरिका एंड कैनेडा वो सारे के सारे एग्जॉटिक्स हैं, नेटिव नहीं है वहाँ वहाँ के. सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आ रही होगी बीटा. 6. Dash an uncommon species that is little used for lumber in its native California is a prize plantation species in Australia and many other countries. इसमें गिवन ऑप्शंस दी गई हैं, उसमें राइट ऑप्शन बन रहा होगा. राइट ऑप्शन इज अल्फा, मोंटेरी पाइन. 7. इन कैलिफोर्निया डैश ऑफ द 133 फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज आर नॉट नेटिव टू द स्टेट. इसमें गिवन ऑप्शंस दी गई हैं, उसमें राइट ऑप्शन होगी चार्ली, 50. 8. Game birds include, इसमें गिवन ऑप्शन दी गई हैं, उसमें अल्फा ऑप्शन है रिंग नेक पीजेंट.
अब याद रखें रिंग नेक पीसन जो है दैट इज बेसिकली नेटिव टू एशियन कंट्रीज, बट दिस वन इज मच मोर पॉपुलर टू नॉन नेटिव कंट्रीज लाइक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इस बारे समझ में आती है कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि नेटिव कंट्री में उतनी कामयाब नहीं हो सकी जितनी कि नॉन नेटिव कंट्रीज में कामयाब हुई हैं, लाइक इन हवाई वहाँ पर तकरीबन 75 जो है ना गेम बर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिनमें 17 गेम बर्ड्स जो थे ना डेट पर सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस्ड और वहाँ पर वो कामयाब हो गए। जो गिवन ऑप्शन दी गई है वो सारी की सारी ठीक है, जो राइट ऑप्शन यहाँ पर आ रही होगी दैट इज डेल्टा ऑल 9 इम्पोर्टिंग प्लांट्स बिकॉज ऑफ देयर ऑर्नामेंटल ब्यूटी एंड इम्पोर्टिंग एनिमल एज पेट्स कुड बी क्लासिफाइड एज मोटिवेटेड बाय। ये गिवन ऑप्शन दी गई है, अल्फा ऑप्शन एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स को हम विम्सी भी कह सकते हैं, विम्सी मतलब होता है सजना या सवरना। सो जितनी ऑप्शन दी गई वो सारी की सारी यहाँ पर ठीक है, सो राइट ऑप्शन आ रही होगी डेल्टा ऑल। एन डैश इज नाउ वाइड स्प्रेड इन फॉरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर एस्केपिंग इन 1869 फ्रॉम द लैब ऑफ अ साइंटिस्ट हु इंपोर्टेड इट फ्रॉम यूरोप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसमें गिवन ऑप्शन जो दी गई है इसमें राइट ऑप्शन आ रही होगी अल्फा जिप्सी मोथ, इस वन इज ग्रे एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेटलैंड शेप कैनाल अलाउ डैश अ पैरासिटिक फिश टू बाईपास नायगारा फॉल्स एंड इन्वेड दी अपर ग्रेट लेक्स। इसमें गिवन ऑप्शन दी गई हैं, उसमें हमें तस्वीर में नजर आ रहा होगा दिस इज एक्चुअली सी लैम्प्री, सी लैम्प्री इज अ पैरासिटिक फिश, राइट ऑप्शन यहाँ पर आ रही होगी बीटा। एंड दैट वॉज ऑल बट टूडेज लेक्चर, इफ यू लाइक द लेक्चर काइंडली हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अपना ख्याल रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।